नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कटी हुई शिमला मिर्च कुकर में डालेंगे। एक कटा आलू बड़ा, एक कप फूल गोभी डालेंगे, आधा कप हरा मटर डालेंगे, दो कप पानी डालेंगे। हमें सब्जियों को 4 सीटी लगाना है। हमारे सब्जियां पक चुके हैं, साइड रख देंगे। गैस के ऊपर पैन रखेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। कटा हुआ 1 चम्मच लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छे से भून लेना है। प्याज की प्यूरी डालेंगे। प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। अब टमाटर की प्यूरी डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। मसालों को तेल छूटने तक भुनना है। मक्खन को डाल के भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं। मैश की हुई सब्जी डालेंगे। सब्जी को मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे। सब्जियों का बचा हुआ पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। पंद्रह मिनट पका लेंगे। हमारी पाव भाजी तैयार है। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ऊपर से मक्खन डालेंगे। बाउल में सर्व करेंगे। तवा लेंगे, लादी पाव को सेक लेंगे। हमने पाव को बीच में से काट लिया।
तवे पे मक्खन डालेंगे। पाव भाजी डालेंगे, उसके ऊपर पाव को सेक लेंगे। दोनों तरफ से पाव को सेक लेना है। पाव के ऊपर और थोड़ा मक्खन डालो और पाव को सेक ले अच्छे से। पाव भाजी के पाव तैयार है, निकाल लेंगे। कटा प्याज और नींबू के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।